माता के सभी भक्तों को तीसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा हैं। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा माता को चंद्रखंडा और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा से अपने भक्तों को साहस से पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप कष्ट कट जाते हैं, भूत प्रेत क्लेश बाधा से मुक्ति मिल जाती है। चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र हुआ करते थे, पर युद्ध में इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर ने विजय पाकर देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने सूर्य चंद्र वरुण वायु जैसे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के पास पहुंचे और अपनी सारी व्यथा तीनों देवताओं को सुनाई कि कैसे असुरों ने उनका स्वर्ग लोक पर ही नहीं अपितु पृथ्वी लोक पर भी विचरण करना असंभव कर दिया है। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश अत्यधिक क्रोधित हो गए और तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली वह देवता गण के शरीर की ऊर्जा से जा मिली। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल, विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत, इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। सूर्य ने अपना तेज तलवार और शेर सवारी के लिए माता को प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने युद्ध भूमि में जा पहुंची। उनका ये रूप देख महिषासुर भय से कांप उठा। महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने का आदेश दिया, परंतु माता के कोप से क्षण भर में महिषासुर की सारी सेना नष्ट हो गई। माता ने धनुष की कंकार भरी। माता के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया। महिषासुर ईश्वर से कांप उठा। जैसे ही धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि दशों दिशाओं में गूंजी, माता ने उस स्वर को बढ़ा दिया। भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी ने दैत्यों के समूह को नष्ट कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने देवताओं और को असुरों पर विजय दिलाई और देवताओं को उनका सिंहासन वापस दिलाया। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा ओम देवी चंद्रघंटाय नमः के मंत्र से की जाती है। माता को सिंदूर, अक्षत, धूप, पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। माता को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माता चंद्रघंटा आप सबके कष्ट और बाधाओं को हरें। जय मां चंद्रघंटा।